अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ गए एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई लोग, आज हम किन्नर जा रहे हैं एजे शार्क भाई के साथ और हम उतरने जा रहे हैं मिडिल स्टैंड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग वीडियो में नए हैं अभी के अभी जाओ लाइक सब्सक्राइब करो, 5 रॉयल पास का गिव अवे। नीचे जाके कमेंट में अपनी करेक्टर आईडी डालो, हो सकता है कि आप जीत सको 1 रॉयल पास, 5 रॉयल पास का गिव अवे। इसी टाइम जाके फ़ौरन जाके अपनी करेक्टर आईडी पिन कर दें। मेरी हर वीडियो नीचे आप लोग अपनी करेक्टर आईडी पिन करें। और दूसरी बात, 5000 सब्सक्राइबर पे हम करने जाएंगे, 5000 सब्सक्राइबर पे हम लकी विनर का हम बताने जाएंगे कि कौन है लकी विनर रॉयल पास का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको सबसे पहले अभी क्या भी जाके सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट में अपनी करेक्टर आईडी देनी होगी और एक अच्छा सा कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। सामने बंदे होते हैं, सामने हम डीपी से एक बंदे को डैमेज देते हैं, नॉक देते हैं, डीपी रिलोड करते हैं, आराम से ईजी हो के विनर चिकन डिनर की कोशिश करते हैं। हमें मिल जाती है डीपी और डीपी के साथ मिल जाती है एमके 12 में हम लगाते हैं एक्सटेंडेड और सामने वाले बंदों पे कर देते हैं रश। पीछे से हमारे जो अच्छे टीममेट्स हैं वो हमें कवर दे रहे हैं। ये सामने बॉट आते हैं, इसको मैं नॉक फिनिश करने के बाद आसिफ भाई बोलते हैं कि भाई पीछे से बंदा भाग के आ रहा है, राडो भाई प्लीज़ जाओ उस पर रश करो। मैं बोलता हूँ ठीक है। हम जैसे घुसते हैं डायरेक्ट सामने बंदा आ जाता है, इसको हम नॉक देते हैं। नॉक देने के बाद MK12 से फिनिश देते हैं। फिनिश देने के बाद आसिफ भाई बोलते हैं हमारे के सामने जो डबल स्टोरी है उसके अंदर भी एक बंदा है, आप जाओ वहाँ से पे रश करो, हमारे शार्क भाई जो हैं वो देख रहे हैं। शार्क भाई का भी फेसबुक पे पेज है, उसकी लिंक दूंगा, प्लीज़ जाके फॉलो करिएगा। और हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते ही अपना गन रिलोड करते हैं। गन तो रिलोड होती है लेकिन हम ड्रिंक्स वगैरह पी के, सामने वो बंदा इतना कैंपर होता है वो बिल्कुल भी हेयरिंग नहीं दे रहा होता है, वो नेट कुक करता है और मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। रश करने के बाद इसको डायरेक्ट से नॉक दिया, हमारे पीछे आसिफ भाई ने फिनिश दिया। फिनिश देने के बाद इसकी आराम से हम लूट करते हैं। लूट करने के बाद लेफ्ट पे जो हमारा घर होता है वहाँ पे भी एक बंदा होता है। नंबर 4 भाई जाते हैं रश करने के लिए, मुझे डर लगता है, बोलता हूँ हमारे टीम में नॉक नहीं हो जाए तो मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। इतने में हमारे आसिम बट्टी भाई जा रहे होते हैं, उनको हम नॉक देते हैं। हमारे प्यारे भाई नंबर 3 भाई उसको फिनिश देने के बाद उसकी आराम से लूट करते हैं। लूट करते हैं, डीपी रिलोड मारते हैं, M4 ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हमारे पास क्रेट से M4 मिल जाती है। उसके बाद आसिफ भाई के पास आता है बॉट, आसिफ भाई मारते हैं बॉट। बॉट की लूट करने के बाद पता चलता है कि ऊपर बंदे हैं। बंदों को हम नॉक फिनिश देने में नॉक करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा नज़र नहीं आता है। इन्होंने ऐसी फायर मारी मेरी फ्यूल कम कर दी। मैंने बोला थोड़ा होल्ड करो, हम होल्ड करने के बाद रश करेंगे, लेकिन हमारे आसिफ भाई बोलते नहीं मैं जाऊँगा। मैं बोलता हूँ सही है जाओ, मैं कवर दे रहा हूँ, मैं अपनी आराम से हीलिंग वगैरह करता हूँ। इतने में हमें आवाज़ आती है कि भाई हमारे पीछे के साइड भी बंदे हैं, आसिफ भाई जा रहे होते हैं। आसिफ भाई को बोलता हूँ भाई होल्ड कर, रुक जा मैं आ रहा हूँ हीलिंग करने। थे आसिफ भाई जाते हैं 1v2 करके आ जाते हैं, आसिफ भाई हमारे 1v2 करते हैं। 1v2 करने के बाद पीछे से हमारे शार्क भाई बोल रहे होते हैं कि आप इधर भी बंदे हैं भाई इधर आओ। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ रुक जा थोड़ी। इतने में शार्क भाई बोलते हैं हमारे कि भाई पीछे बंदे हैं मेरे पे रश कर रहे हैं आ जाओ वहाँ पे। तो हमने हमारे आसिफ भाई ने 1v2 करके उनको मार दिया होता है लेकिन मैं लूट करने जा रहा हूँ। लेकिन इतने मुझे भी फायर पड़ती है, मैं आराम से डायरेक्ट रश करने की कोशिश करता हूँ। इतने में आसिफ भाई शार्क भाई रश कर रहे होते हैं उनके पीछे ही, ठीक है ना। सामने पत्थर पे बंदे होते हैं, तो छोटा सा हिल बना उसके अंदर बंदे होते हैं। मैं यहाँ पर एक नॉक देता हूँ, ठीक है ना। हमारे शार्क भाई फिनिश देने की कोशिश करते हैं लेकिन फिनिश नहीं होता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ रश, मैं बोलता हूँ जो होगा देखा जाएगा। मैं जैसे ही रश करता हूँ उतने मुझे पता चलता है कि भाई इधर 2 बंदे हैं। मैं एक को तो नॉक दे चुका होता हूँ, दूसरे को भी नॉक देता हूँ, फिनिश दे देता हूँ। फिनिश देने के बाद ऊपर हम जाते हैं, डीपी वगैरह रिलोड करते हैं। डीपी रिलोड करने के बाद इन दोनों की आराम से लूट करते हैं। पहले तो हमारे प्यारे भाई जरा मस्ती कर रहे होते हैं कि भाई हेलो कैसे हो, लेकिन ये भाई हमारे बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहे होते। तो पीछे वाले हमारे शार्क भाई आराम से उसको फिनिश देने के बाद, लूट वगैरह करने के बाद पीछे से फायर आती है, इन घरों से फायर आती है। इन घरों में पूरा एक स्क्वाड
कैम करके बैठा होता है, मुझे पता नहीं होता है। मैं एक को नॉक देता हूँ, इन लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग पूछ दो। डीपी देखता हूँ उस टाइम, उस तरफ भी बंदे होते हैं अपनी हील वगैरह छोड़ के, मैं उनको देख रहा होता हूँ बंदों को ना, इतने में कितने पीछे वाले आ जाए। मैं हील वगैरह करता हूँ, इनको कह रहा होता हूँ कि यहाँ पे रज जो एक ने नॉक किया है उसको फिनिश देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये फिनिश नहीं होता है। इतने में हमारे शार आसिफ भाई जो होते हैं वो रश कर देते हैं, आसिफ भाई रश करते हैं, आसिफ भाई भी एक बंदे को नॉक देते हैं। मैं डीपी रिलोड करता हूँ और हम रश कर देते हैं। जैसे ही हम रश करते हैं तो भाई यहाँ पे हमें पहले पता नहीं था कि चार बंदे, लेकिन हम जैसे करीब जाते थे हमें पता चलता था कि भाई इधर पूरे चार बंदे। इस साइड से हेरिंग आ रही होती है, मैं देख रहा होता हूँ कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर के अंदर बंदे होते हैं। अंदर ही ये लोग घर के अंदर ही स्मोक डालते हैं, स्मोक डालने के बाद सामने बंदा होता है इनका सोलो, ठीक है ना, ये हमारे नंबर फोर भाई को नोक देते हैं। आसिफ भाई उनको वो कर रहे थे, लेकिन ऊपर एक और बंदा चढ़ जाता है छत पर, ठीक है ना, छत पर वाले बंदे को मैं नोक देता हूँ। अंदर एक और बंदा होता है और उसको शॉटगन चला रहा होता है। नंबर थ्री भाई हमारे आसिफ भाई जो होते हैं वो मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ भाई इधर नहीं रुक, रुक जा ये, इसको इनको आराम से स्मोक ख़त्म होगा, हम अंदर उसके मारेंगे। ये एक बंदे उसको ने नॉक दिया होता है, इसको फिनिश करते हैं, लेकिन अंदर एक बंदा बैठा होता है। हम देख रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ पर है। इतने में नंबर टू जो है शार्क भाई नॉक हो जाते हैं, सामने की तरफ एक बंदा होता है पत्थर के पास। आसिफ भाई को मैं बोलता हूँ कि भाई सामने बंदे हैं, उनको वो रिवाइव दो, मैं आगे रश करता हूँ, लेकिन आसिफ भाई पीछे होते हैं। इतने में पीछे बॉट आता है, बॉट को मैं नॉक देता हूँ। नॉक देने के बाद बंदा देखो सामने ही है, ठीक है ना, लेकिन नंबर टू बोलते हैं यार मुझे रिवाइव दे रहे हो। शार्क भाई बोलते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, हम शार्क भाई को जैसे ही रिवाइव देते हैं, इतने में आसिफ भाई आ जाते हैं, आसिफ भाई डायरेक्ट जाते हैं, आसिफ भाई नॉक होते हैं और मैं इस बंदे को फिनिश दे देता हूँ। फिनिश देने के बाद हम अपने प्यारे भाई नंबर टू भाई को, शार्क भाई को रिवाइव देते हैं। रिवाइव देने के बाद यहाँ पे बंदे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी हमें मिलती है। गाड़ी मिलने के बाद पता चलता है कि पीछे जो दो घर हैं उधर भी बंदे हैं। इनमें से मैं एक को नॉक देता हूँ, ठीक है, एक पीछे बंदा होता है उससे मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन हमारे नंबर टू शार्क भाई का नेट चले जाता है। आसिफ भाई पीछे से भी बंदे आ जाते थे, हम समय सेमनेज बन जाते हैं। नंबर फोर भाई उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई उधर नीचे उधर भी बंदे हैं। नंबर फोर भाई हमारे प्यारे हमारे पास आ जाते हैं रिवाइव देने के लिए। आसिफ भाई पे वो हाथ रखते हैं, आसिफ भाई फिनिश हो जाते हैं, वो मेरे पे फिर हाथ रखते हैं। मेरे रिवाइव हो रहा होता हूँ, मैं नॉक हुआ होता हूँ, हमारे पीछे भी बंदे हैं, सामने भी बंदे हैं, और नंबर टू शार्क भाई का नेट नहीं चल रहा। मैं यहाँ बैठ के आराम से हील वगैरह करता हूँ। हीलिंग वगैरह करने के बाद सामने वाले बंदे भी होते हैं, लेफ्ट पे भी बंदे होते हैं। लेट के मैं आगे जाता हूँ, इन बंदों को देख रहा होता हूँ, लेकिन ये बंदे दिखते नहीं हैं। इतने में नंबर फोर भाई हमारे शील्ड बिछा देते हैं। मैं कैन वगैरह पी के फुल करके जोन हमारे पास से जा चुका होता है, ठीक है ना। नंबर टू हमारे शार्क भाई फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेट नहीं चल रहा था, जोन के अंदर नहीं आ पाते हैं। सामने ही बंदा होता है, ये लोग इधर ही बैठे होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ख़राब कैंप किया होता है इन लोगों ने। ये बंदा भाग रहा होता है, इसको नॉक देने करता हूँ, पीछे से बंदा आ जाता है, और पीछे से बंदा आते ही मुझे वो फिनिश दे देता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, फिर हम मेडिसिन उतरते हैं। हमारे नंबर फोर भाई जा चुके होते हैं, हम लोग तीन होते हैं और सामने पूरा स्क्वाड होते हैं। उतरते साथ हमें मिलती है वेक्टर, हम ऊपर बंदे देखते हैं कि कोई बंदा मिल जाए, लेकिन कोई बंदा मिलता नहीं है। हम देख रहे थे, हम ऐसी मस्तियाँ कर रहे होते हैं आपस में। इतने में पीछे आसिफ भाई मार करते हैं कि भाई उधर जा, उधर बंदे हैं। मैं बोलता हूँ अच्छा भाई जाता हूँ, लेकिन इतने बार चलता है कि इधर नहीं, वो बंदे सामने वाले घर में भाग चुके हैं। वो एक बंदा आ जाता है छत पर, छत पर फौरन से नॉक देता हूँ। नॉक देने के बाद लेकिन इधर होते हैं दो बंदे, एक बंदा पीछे की साइड पर कहीं भाग चुका होता है। तो मैं करता हूँ उनके ऊपर रश, मैं बोलता हूँ कितने दो बंदे रश कर देता हूँ। एक बंदा भाग चुका होता है, ये छत पर अकेला होता है, मैं इसको जाके फौरन से फिनिश देता हूँ। फिनिश देने के बाद अपने सामने की साइड पे लोग वॉच आउट लगा रहे होते हैं, बोलते हैं भाई उधर भी बंदे हैं, आप उधर आओ। मैं बोलता हूँ अच्छा आया, मैं आता हूँ। तो इतने बार चलता है कि हमारे घर के ऊपर बंदे, हमारे दो बंदे जो होते हैं मेन बिल्डिंग में रुके हुए होते हैं, मेरे हाथ में वेक्टर होती है, मैं बंदे सर्च करता हूँ। इतने में एक बंदा पीछे जंप मारते हैं नंबर वन की तरफ रश करने के लिए, शार्क भाई की तरफ रश करने के लिए। शार्क भाई एक नॉक देते हैं, दूसरा मैं नॉक दे के फिनिश दे देता हूँ। ये लोग भी चार बंदे होते हैं, दो हमने मार चुके होते हैं,
और हम ऊपर रश कर देते हैं। आसिफ भाई बोलते हैं कि भाई सामने वाले जो फर्स्ट फ्लोर है उसके सामने बंदा है। मैं बोलता हूँ अच्छा। आसिफ भाई मेन बिल्डिंग होते हैं तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, तो मैं मौली करता हूँ। वो बंदा डैमेज होता है बहुत ज़्यादा, मैं मौली का ख़त्म होने का वेट कर रहा होता हूँ कि कब मौली ख़त्म होगी और मैं रश कर दूँगा। इतना हेयरिंग आ जाती है कि वो लेट फर्स्ट की तरफ जा चुका था। मैं जब मार के इसको फिनिश दे देता हूँ। फिनिश देने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के वक्त यहाँ पर एक फायर की आवाज़ आती है और ये बंदा छत पर होता है, इसको मैं नॉक देता हूँ। ये पूरे के पूरे तीन बंदे होते हैं, इनका एक बंदा बताता हूँ एंड में M24 वाला होता है, वो बहुत तंग करता है एंड में। अब फिर तीन बंदे, मैं एक बंदे को नॉक करके मैं आगे जाता हूँ। मेरे पीछे मेरा कोई बैकअप नहीं होता। नंबर वन शार्क भाई भी कहीं और होते हैं, आसिफ भाई भी जिस तरह बंदों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे पूरे तीन बंदे होते हैं। इस छोटी सी खिड़की से मैं देख लेता हूँ। देखो आप लोग भी जब भी रश करो ये छोटी छोटी चीज़ें देख लिया करो। मैं हमारा नॉक हुआ बंदा रिवाइव हो जाता है, फिर ये दूसरा बंदा होता है भी सीढ़ियों पे बैठा होता है, मैं इसको भी नॉक करता हूँ। अब ये बच्चा अंदर एक ही बंदा, मैं जाता हूँ अंदर डायरेक्ट रश करता हूँ। मैं बोलते हैं इधर ये होगा देखते हैं, लेकिन ये बंदा बाहर जाता है, हमें हेयरिंग आ जाती है। हम एक बंदे को फिनिश करते हैं और दूसरे बंदा जो होता है उसको भी फिनिश करते हैं। मैं पता चलता है कि भाई बंदा नीचे आ गया है और ये इधर ही कैंप कर रहा होता है। इसको मैं देखता हूँ और डायरेक्ट इसको नॉक देता हूँ, फिनिश करता हूँ। इसका एक बंदा M24 वाला है, वो पीछे मार रहा होता है, वो हम लोग को ही देख रहा होता है। देखो उसकी गोली हम पे कनेक्ट नहीं होती ना। अब यहाँ पर एक बॉट आता है, मैं इस बॉट को मारता हूँ, नॉक देता हूँ, फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद हम लोग आराम से अपनी गन्स वगैरह रिलोड कर देते हैं। ये M24 वाला होता है, ये बार बार डस 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 लगा हुआ होता है, लेकिन ये एंड टाइम पे फिर नहीं नज़र आता। हम पूरा मैप ढूंढ लेते हैं, पैदल जाते नहीं नज़र आते। फिर गाड़ी नज़र निकालता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ तो मेरे को ये M24 वाला फिर शुरू हो जाता है, मार रहा होता है M24 से, AC शॉट्स मार रहा होता है। मुझे पता चल जाता है कि किधर हो सकते हैं। मैं गाड़ी लेके सीधा उसके पास जाता हूँ। उसके पास जाने के बाद वो इधर देखो लेटा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और गाड़ी रोक कर डायरेक्ट उतर के उसको नॉक देता हूँ। और M4 से डायरेक्ट वेक्टर पे स्विच करके इसको डायरेक्ट से नॉक फिनिश कर देता हूँ। ये एक ही बंदा होता है, इनके तीन बंदे पहले मार चुके हैं। अब इतने में हमें पता चलता है कि भाई हम आगे पूरे बंदे ढूंढते नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ से फायर आती है। हम फिर यहाँ पे आके गाड़ी रोकते हैं, हम ढूंढ रहे होते बंदे, हमें बंदे मिलते नहीं है। यहाँ पर एक शील्ड नज़र आती है, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ बंदे, मैं उनको देख रहा होता हूँ। 4x हमारे पास होता है, मैं नॉक देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसकी पिंग बहुत हाई होती है शायद, इस वजह से देखो वो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। ये नॉक हो जाता है, ठीक है। मैं गन वगैरह लोड करता हूँ, आगे की तरफ देखता हूँ कि बंदे देखता हूँ कोई नज़र आ रहे हैं नहीं, फायर्स वगैरह आ रही होती हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ और निकल जाता हूँ, क्योंकि एक ही बंदा होता है, गाड़ी फिनिश हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर भाई पूरा स्क्वाड पड़ रहा है, एक स्क्वाड है। अभी हम यहाँ पर जाते हैं, एक बंदा ये नॉक दे रहे होते बॉट फायर, लेकिन ये बॉट नहीं होते, ये रियल होते। वेक्टर वगैरह मैं लोड करता हूँ, इसको फिनिश देता हूँ। इतने में हमारे आगे आसिफ भाई होते हैं, आसिफ भाई देख रहे थे, आसिफ भाई नॉक हो जाते हैं। आसिफ भाई नहीं है ये, असल में शार्क भाई है। मैं डायरेक्ट जब मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। आसिफ भाई को बोलता हूँ इसको भाई इनको रिवाइव दो, लेकिन वो भाई बोलते हैं नहीं हम तो लूट गए हैं। मैं स्मोक डालता हूँ कि पीछे M24 वाला एक बंदा और भी होता है, ठीक है ना, जो हमें मार होता है। आसिफ भाई को बोलते भाई तू अभी रिवाइव दे, मेरे को उसको देखने दे। आसिफ भाई ठीक है भाई आप जाओ। अब ये बंदा ढूंढते हैं, मिलना नहीं तो ये लेटा हुआ था उधर, ठीक है ना। अब मैं बेड किस पे लेता था वो मैं नहीं मरता, लेकिन उसके पास भाई M24 थी, उसने सिर्फ एक गोली मारी और मैं नॉक हो गया। अब मैं डर रहा था, मैंने कहा फिनिश नहीं हो जाऊँ पूरी गेम प्ले ख़राब हो जाएगी, तो मैंने आसिफ भाई को बोला कि भाई आप मुझे रिवाइव दो और हमारे शार्क भाई है वहाँ पर स्मोक करते हैं। शार्क भाई आगे जाते हैं, शार्क भाई भी अपनी हीलिंग वगैरह अब कर लेते हैं। हीलिंग वगैरह करने के बाद वो डायरेक्ट आगे रश करने के लिए जाते हैं M24 वाले को देखने के लिए। उनको दिखता नहीं है, लेकिन एंड टाइम पे जब मैं अपनी हीलिंग करने शुरू करता हूँ, लेकिन हमारे प्यारे भाई शार्क भाई वो DP से सामने वाले बंदे को मार देते। तो ऐसे ही हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। तो जो अभी के अभी जाओ लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। जो जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और हर ताकि हर नई वीडियो में आप मेरी आपके पास आ सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।